नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा OPTCL के बारे में। तो OPTCL क्या है? तो ओडिशा से जो जॉब आया है वो OPTCL के ऊपर। तो OPTCL है एक्चुअली ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस मतलब यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। तो टोटल जो जॉब है 530, और वो भी अप्रेंटिस का जॉब है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर अप्रेंटिस करना क्या जरूरी है? अब मैं जरूर कहूँगा, ऑब्वियसली आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनीज के लिए जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस के जरूरत होगा। अगर उस जगह पे आप अप्रेंटिस का भी सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं तो आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अप्रेंटिस देखा जाए तो एक एक्सपीरियंस के टाइप ही है। आपको फील्ड में जाकर काम करने का मौका मिलेगा, तो 1 साल की आपके एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होगा। तो इसीलिए अप्रेंटिस के लिए जरूर अप्लाई करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जॉब का पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिस बहुत सारे जॉब के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, तो पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हो OPTCL जो रिकमेंड है वो टोटली ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ओडिशा में ही आपको जॉब मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। 530 वैकेंसीज है, जिनमें से आप देखेंगे तो ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 280 वैकेंसीज, जिनमें आपको 7,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 18 वैकेंसीज है, जिनमें से आपको 9,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इतना कम क्यों है? देखिए आप कंपनी के ऊपर एक्सपीरियंस करने के लिए गया है, तो इसलिए आपको कंपनी एक यहाँ पे जो यहाँ पे सैलरीज नहीं है, स्टाइफेंड है। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा स्टाइफेंड के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको स्टाइफेंड देते हैं, तो उसी तरीके से इस कंपनी भी आपको स्टाइफेंड देगा। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा के लिए आपको 232 वैकेंसीज है, जिसमें 9,000 के, और इंजीनियर डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 8,000 के आपको सैलरी पैकेज सॉरी स्टाइफेंड मिलेगा। तो इस जॉब का एज लिमिट है, आप 18 ईयर्स से भी ज़्यादा है तो आप जरूर अप्लाई करिए। और यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर रहेगा इंटरव्यू के माध्यम से, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो सैलरी तो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ, अभी दिखा देता हूँ कंपनी के जॉब के लिए क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो ITI कैटेगरी कैंडिडेट ITI में पास आउट हो चुके तो अप्लाई करिए। MBA कैटेगरी MBA के ऊपर करिए, MSW के ऊपर करिए, अलग है। तो सारे चीज़ एक एक करके यहाँ पे देखने को मिला। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, BA, BTech डिप्लोमा, इस तरीके से कुछ कैटेगरीज वाइज आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो उस क्वालिफिकेशन को आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इस एप्लीकेशन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप 18 नवम्बर से पहले अप्लाई कर सकते हैं, तो 19 नवम्बर से सॉरी 19 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। और किस तरीके से अप्लाई करेंगे चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन, दोनों अलग अलग बटन है, क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखेगा, साथ ही साथ आपको अप्लाई बटन भी दिखेगा। तो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ध्यान से देखना कौन सा ट्रेड में है, कौन सा पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इस सारे ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना, तो उसके बाद आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई बटन का लिंक नीचे मिल जाएगा, जाकर यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में जाके क्लिक करिए, एक एक स्टेप आउट करके आप अप्लाई करिए। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी स्पीड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। मिलते नेक्स्ट नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।